किराने का बिजनेस है, मंडी में दुकान है। जीएसटी के पक्ष में मैं था, जब मैंने दुकान खोली तब तीन एसोसिएशन वाले आए मेरे पास, मेरे को बोला दुकान बंद करो। तब मैंने बोला दुकान बंद मैं नहीं करूँगा, मेरे ग्राहक है, मेरे को माल देना पड़ेगा। तब इन्होंने बोला अगर जीएसटी के पक्ष में आप रहोगे तो आपको मार्केट में माल नहीं देंगे, आपको मार्केट बाई लिस्ट करेंगे। अब मेरे को 30 अगस्त तक मेरे को बाई लिस्ट किया गया है, मेरे को मार्केट माल नहीं दे रही है। नहीं, चार व्यापारियों को किया गया है, कारण किया किसी कारण किए हुए चार व्यापारी, जैसे कि एक व्यापारी का मेरे को नाम नहीं आ रहा, तीन का मेरा नाम, मुझे नाम आ रहा है, एसपी ट्रेडिंग, दाऊलाल रामनारायण और भूतरा ट्रेडिंग, इस तीनों को किया। नहीं, मैं जीएसटी के खिलाफ हूँ नहीं, मेरा काम सही मुझे लगा और मैं टैक्स भर रहा हूँ, मैं क्यों बंद करूँ? और जीएसटी सबके ऊपर लागू, मेरे अकेले के ऊपर लागू है नहीं, जो होगा मेरे को दिक्कत ये आ रही, मेरे को मार्केट में माल एक रुपए का कोई मार्केट एसोसिएशन बाड़मेर मंडी वाले नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से नहीं दे रहे हैं कि तीन ही व्यापारियों ने, तीन ही जो भी संगठन इनका है, तीन ही वो उन्होंने मेरे को मना किया कि भाई तेरे को माल नहीं दे, अगर किसी ब्लैक लिस्ट किया गया है। अच्छा, क्योंकि आप जीएसटी न्यातबार जो मारवाड़ी में बोलते हैं, न्यातबार किया गया। मैं ब्लैक कर ये जो एक तो जैसे कि किशन लाल जी वडेरा, एक बाबूलाल जी वडेरा, एक रमेश जी पार्क, अच्छा ये तीन एसोसिएशन है मंडी में, तीनों ने मेरे को जैसे कि चार व्यापारियों को ब्लैक लिस्ट किया गया, न्यातबार किया गया, इनको 30 तारीख तक इनको माल नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि 15 तारीख तक अगर उन्होंने बोला अगर 15 तारीख को 1100 रुपये दंड भरोगे तो आपको वापस शामिल किया जाएगा, या कबूतरों को डलवाएंगे, वो एसोसिएशन वालों को दो। अच्छा, तो आपने आप कबूतरों को दाना डालेंगे। हाँ, जैसे कि मैंने बड़ा गुना किया, जो बाड़मेर में फर्स्ट गुना मैंने ही किया, जो जीएसटी खिलाफ, जैसे कि जीएसटी के पक्ष में मैंने गुना किया। नहीं, सिक्योरिटी से मैं मिला नहीं, मेरे को मार्केट में सब कोई व्यापारी माल भी देने से उत्सुक भी नहीं है कि इस वजह से नहीं देंगे 15 तारीख तक। और 15 तारीख तो मेरा व्यापार जो भी अस्त व्यस्त हो रहा है, मेरी उधारी है, मेरे बीवी बच्चे है, मेरे दुकान के किराए, मैं एकदम बेरोजगार हो गया। पार मंडी में हमारे साथ क्या हुआ, हमने जीएसटी कक्ष में दुकान खोली थी, उस कारण से इन्होंने अध्यक्ष ने हमको आपको माल नहीं दिया जाएगा, आप मंडी से व्यापार नहीं कर सकते, समर्थन किए। हाँ हाँ, ये हमारे पास कोई डोनेशन के लिए लेने आए थे माल, उनके पक्षियों के गायों के लिए, हमने उसको माल निकाल के दिया, इन्होंने क्यों निकाल के दिया? 1100 रुपये दंड के दो पैसे, क्या पक्षियों के दाने डालेंगे, आपने जी दुकान खोली इसलिए। अब जो बाजार में हमको माल नहीं मिल रहा है, 5 लोग हैं।